हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नव भारती परिवार में। मैं हूँ प्रिया शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और वो किया हुआ है सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, एंड आफ्टर दैन हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन के डिफरेंस की, तो यहाँ पर देखिए पहला डिफरेंस मैंने लिख रखा है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन वो बल्क फिनोमिना है। मैंने आपको बताया था बल्क फिनोमिना का मतलब ये हो गया कि जो दो सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अगर सोख रहा है तो वो पूरे बल्क से सोखेगा, यानी अंदर तक जाकर उसको सोखेगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वो सिर्फ सरफेस पे ही इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, पूरा अंदर तक नहीं जाता है। तो ये सरफेस फिनोमिना है और ये है एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फिनोमिना है। दूसरे डिफरेंस की बात करूं तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, सरफेस पे डिपेंड करता है, जबकि जो एब्जॉर्प्शन है वो सरफेस पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो बल्क फिनोमिना है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ना तो एक्सोथर्मिक होता है और ना ही एंडोथर्मिक होता है। ये दोनों ही चीजें इसके अंदर नहीं होती, ना तो ये एक्सोथर्मिक होता है ना ही ये एंडोथर्मिक होता है। और अगर मैं बात करूं एडसॉर्प्शन की, तो ये कैसा होता है, ये कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक की प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। जब भी एडसॉर्प्शन की प्रक्रिया होगी, एडसॉर्प्शन की प्रक्रिया होगी, प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, यानी वहां से गैस सॉरी जो हीट है वो रिलीज होगी, हीट जो होगी वो रिलीज होगी, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें थर्ड डिफरेंस की, थोड़ा नीचे लिखती हूँ, एब्जॉर्प्शन की जो रेट होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, पूरी जो प्रोसेस होगी एक तरीके से सेम होगी। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो रेट कैसी होती है, हाई, और बाद में क्या हो जाती है, रेट लो हो जाती है, ठीक है ना। यहां पर एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, जो स्पीड है, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो एकदम सेम है पूरे टाइम, लेकिन एडसॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो स्टार्टिंग में तो बहुत हाई होगी और बाद में क्या हो जाता है, एकदम लो हो जाती है, ठीक है ना, धीमी हो जाती है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन, सबसे पहले कि एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो होती क्यों है। देखिए इसके जो रीजन है वो बेसिकली दो रीजन है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूं। पहला रीजन, सपोज करिए मैंने एक वेसल ले लिया है, ठीक है, अब इसके अंदर ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहां तक है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने अगर सॉल्यूशन लिया है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी होंगे उसके, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर मैंने आपको, मैं जो है दिखाने के लिए एक बार ये हल्का सा मिटा देती हूं ताकि समझ में आए। यहां पर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स मैं आपको दिखाती हूं, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे लेकिन आपको समझाने के लिए एक मॉलिक्यूल यहां पर है, ये रहा, साफ आपको दिख रहा होगा, ये मॉलिक्यूल जो है बल्क में है, ठीक है ना, इस जो अब हमने सॉल्यूशन लिया है इसके बल्क में है, ठीक है, बल्क यानी बीच में है। तो जो ये मॉलिक्यूल है इसके आसपास और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं ऐसे बना देती हूं इसको, ठीक है। अब आप देखिए ये मॉलिक्यूल तो बल्क में है, मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे गोल कर देती हूं, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल मैं बना रही हूं जो सरफेस पे होगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स तो बल्क में होते हैं और कुछ सरफेस पे होते हैं, एक मैं बना रही हूं जो कि सरफेस पे होगा, ठीक है। इसके आसपास भी और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज करिए मैंने बना दिया इधर, इधर और भी मॉलिक्यूल्स हैं, बट दिखाने के लिए आपको सिर्फ दो ही बनाए हैं मैंने, इसको भी मैं साफ कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा।
अब मैं आपको क्यों ये एग्जांपल बता रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ से समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखिए, हमने यहाँ पर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स लिए, एक मॉलिक्यूल जो था वो बल्क में था, मैंने उसका एग्जांपल लिया। अब क्या हो रहा है, जो बल्क में मॉलिक्यूल है उस वो जो है अपने चारों तरफ दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऐसे करके इन चारों का जो है इस बीच वाले के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो देखिए, सपोज करिए इससे भी है अट्रैक्शन, इससे भी और इससे भी, तो चारों तरफ जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चारों तरफ जो है मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, तो ये कैसी सिचुएशन में है, बैलेंस्ड, मतलब ये बैलेंस्ड है, ठीक है। ये जो बल्क में मॉलिक्यूल है वो कैसा है, बैलेंस्ड है। और जो मॉलिक्यूल बैलेंस्ड होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। वो क्या होता है, स्टेबल हो रहा है। जो भी बात कह रही हूं उसे नोट डाउन करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बीच वाला मॉलिक्यूल जो है जो बल्क में है वो बैलेंस्ड है, मैंने आपको बता दिया क्यों है, बैलेंस्ड है तो स्टेबल है। और जो भी मॉलिक्यूल स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एनर्जी क्या होती है, कम, लेस एनर्जी। बात समझ में आई, ये सारी बातें इस वाले मॉलिक्यूल के लिए जो बल्क में। अब हम बात कर लेते हैं जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है। अब देखिए, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है वो सिर्फ तीन डायरेक्शन से घिरा हुआ है, चारों डायरेक्शन से घिरा हुआ नहीं है, मतलब यहां से, इधर से और इधर से, ठीक है ना। सिर्फ तीन साइड से ये घिरा हुआ है, एक साइड अभी भी बाकी है, वो साइड कौन सी है, सरफेस वाली। तो इस कंडीशन में अभी ये अनबैलेंस्ड है। ये क्या है, मॉलिक्यूल अनबैलेंस्ड है। ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल कैसा है, अनबैलेंस्ड है। अगर ये अनबैलेंस्ड है तो ये क्या है, नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। और अगर जो भी मॉलिक्यूल्स स्टेबल नहीं होते हैं, हमें पता है कि उनमें एनर्जी क्या होती है, हाई एनर्जी। कैसी होती है, हाई एनर्जी। और इधर भी लो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाई एनर्जी कैसे, तो देखिए समझिएगा, जो भी जो अनबैलेंस्ड है मॉलिक्यूल उसमें हाई एनर्जी होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी होती है कि ये स्टेबल हो जाए। इसके अंदर इतनी ज्यादा मतलब उत्सुकता होती है, इतना ज्यादा इसके अंदर मतलब लेवल ऑफ एनर्जी होता है कि भाई मैं फटाफट जो है बैलेंस्ड हो जाऊं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में कोई भी स्पीसीज आती है, कोई भी दूसरी अगर स्पीसीज आती है, सपोज करिए यहां पर ये आई, ठीक है, या फिर और भी जैसे बहुत सारे आ रही है ऊपर, ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो इसको, या फिर ये जो मॉलिक्यूल है ऊपर वाला, ये सरफेस वाले के पास खींचता हुआ चला जाएगा। और बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो ये सरफेस का मॉलिक्यूल था ये बैलेंस्ड हो जाएगा। और ये बैलेंस्ड कैसे होगा, क्योंकि जो भी दूसरी स्पीसीज आएगी उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, और यही मैकेनिज्म भी है। क्यों, क्योंकि क्यों हो रहा है ये एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस, कैसे हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल था सरफेस वाला वो अनबैलेंस था। खुद को बैलेंस करने के लिए इसने क्या किया, दूसरी जैसे ही कोई स्पीसीज के मॉलिक्यूल आए इसने अट्रैक्ट कर लिया, और देखिए अब चारों तरफ से ये बैलेंस्ड हो चुका है। आई बात समझ में। तो पहला जो रीजन है मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी एड्सॉर्प्शन का जो पहला रीजन है वो है फॉर बैलेंसिंग, या मैं बोल सकती हूँ बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग के लिए जो है एड्सॉर्प्शन की क्रिया होती है, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये बैलेंसिंग का जो प्रोसेस है पूरा समझ में आया होगा, है ना। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। आपको पता है कि जो ये एड्सॉर्प्शन होता है ये कैसा प्रोसेस होता है, ये होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक कैसे हुआ, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जब हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। अब जब भी ये बाहर का जो मॉलिक्यूल है ना, ये सरफेस मॉलिक्यूल के पास में आके अट्रैक्ट होगा, है ना, तो क्या होगा, इस पोजीशन पे हीट रिलीज होगी। क्या होगा, हीट रिलीज होगी, क्योंकि जो ये सरफेस मॉलिक्यूल है इसके ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, हाई एनर्जी है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये बैलेंस्ड होगा
सरफेस मॉलिक्यूल, तो इसमें से हीट निकलेगी, और जब भी हीट निकलती है या हीट रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया बैलेंसिंग का। दूसरे की मैं बात करूं तो हमें पता है कि जो एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। अब अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन, तो देखिए डेल्टा एच कैसा होगा, हीट निकलेगी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी, और जब भी हीट रिलीज होती है तो हम डेल्टा एच कैसे काउंट करते हैं, नेगेटिव। कैसे काउंट करते हैं, नेगेटिव। अगर हीट किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच कैसा होगा, चेंज ऑफ हीट क्या होगा, नेगेटिव, और अगर कभी भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा एच होगा पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में एक्सोथर्मिक की प्रोसेस में डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देखिए, जब भी गैस जो है एब्जॉर्ब्ड होगी सॉलिड पे, कोई भी सॉलिड है उस पे गैस के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्ड जब भी होंगे, तो ऐसी प्रोसेस में जो एंट्रोपी है, जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट करने की फ्रीडम। जब भी गैसेस मॉलिक्यूल्स सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब्ड होंगे तो इस प्रोसेस में क्या होगा, गैस के जो मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं होंगे, क्योंकि सॉलिड के सरफेस के जो मॉलिक्यूल है और जो गैस के मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोई तो अट्रैक्शन काम कर रहा होगा ना, जिससे कि जो गैस के मॉलिक्यूल की फ्रीडम है वो खत्म हो जाएगी। और जो एंट्रोपी होती है उसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो जब आपको पता है कि जैसे ही एड्सॉर्प्शन हो रहा है गैस का, तो एंट्रोपी जो होगी कैसी आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव इन द सेंस यहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल है वो फ्री नहीं है मूवमेंट करने के लिए। तो हमारा जो डेल्टा एस आएगा, डेल्टा एस जो एंट्रोपी है इस पूरे एड्सॉर्प्शन की, वो क्या होगी, नेगेटिव। आई बात समझ में, क्यों नेगेटिव है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हमें ये चाहिए कि कोई भी सिस्टम कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद हो जाए, स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद हो जाए, तो उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर पे डेल्टा जी यानी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ये कंडीशन है, अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव होगा तो ही वो प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी यानी खुद ब खुद होगी। अब हमें अगर डेल्टा जी नेगेटिव करना है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस, कि हमारे पास फॉर्मूला आता है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी का, है ना। तो अगर हमें चाहिए कि डेल्टा जी नेगेटिव आए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो डेल्टा एच होना चाहिए वो उसकी जो नेगेटिव की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। अब आप यहां इधर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप मुझे बताइए माइनस वन ज्यादा नेगेटिव है या माइनस टू। माइनस वन यानी नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होगा उतना ही वो ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो डेल्टा एच है वो ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, किससे, इस टर्म से। जैसे ही डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा इस टर्म से, तो ये पूरी जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो कैसी आ जाएगी, नेगेटिव, और हमारी जो प्रोसेस होगी वो कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एक ये टर्म आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या होता है, जब भी एड्सॉर्प्शन होता है, मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में एड्सॉर्प्शन की रेट जो होती है बहुत हाई होती है और बाद में धीरे धीरे होने लगती है। जब बाद में रेट जो है धीरे होने लगती है तो डेल्टा एच जो होता है वो भी, ये जो डेल्टा एच हम कह रहे थे ना बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, ये भी धीरे धीरे जो है लेस नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बहुत कम नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है, एक मतलब पॉइंट ऐसा आता है जब डेल्टा एच, यहां पर लिखती हूं, जब डेल्टा एच और टी डेल एस मतलब टेम्परेचर डेल एस की वैल्यू इक्वल हो जाती है,
ये इतना इसकी नेगेटिव की वैल्यू इतनी कम आ जाती है कि इन दोनों की वैल्यू एक पॉइंट पे इक्वल आ जाती है। जैसे ही ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हमारा जो डेल्टा जी है वो क्या हो जाएगा, जीरो। इस कंडीशन पे डेल्टा जी हमारा हो जाएगा जीरो, और डेल्टा जी जीरो का मतलब कि हमें इक्विलिब्रियम जो है वो मिल चुका है। क्या मिल चुका है? इक्विलिब्रियम हमें मिल चुका है, अटेन हो चुका है। तो इसलिए मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन के दो फैक्टर है, एक तो बैलेंसिंग और दूसरा अपना हीट की जो हमने पूरी अभी प्रोसेस करी है वो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि सीबीएसई में जिसके लिए क्वेश्चन भी आया था। एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं जॉर्प्शन। जॉर्प्शन, अब ये जॉर्प्शन क्या होता है? जब भी एडसॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली साथ साथ में हो रहे हो तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे जॉर्प्शन। अब ये कहां पाया जाता है? एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो जो डाई होती है, फैब्रिक की जो डाई होती है, जब भी आपने देखा होगा कि हम जो व्हाइट चुन्नी होती है या कोई भी कलर की अगर चुन्नी होती है, दुपट्टा होता है घरों में, तो उसको अगर हम कलर करवाने के लिए लेके जाते हैं तो वो जो प्रोसेस है, वो जो डाई का प्रोसेस है, फैब्रिक का डाई का प्रोसेस है, फैब्रिक फैब्रिक में जो डाई होती है वो किसका एक एग्जांपल है? एडसॉर्प्शन का। उस प्रोसेस में एडसॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है, डाई इन फैब्रिक। अब मैं आपको बताती हूं, ये तो रहा एडसॉर्प्शन का। अब एक दूसरा टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जब आपको मैंने बताया था एडसॉर्प्शन में दो पॉइंट होते हैं, दो टर्म होती है, एक तो होते हैं एडसॉर्बेट, एक होता है एडसॉर्बेंट। जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसॉर्प्शन। यानी कि आप समझिए, ये सॉलिड था, इसको मैं मान लेती हूं क्या है, ये एडसॉर्बेंट। ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आ गए और क्या प्रोसेस कर दी? एडसॉर्प्शन की। इसको मैं बोल देती हूं एडसॉर्बेंट, ठीक है। तो जब ये गैसेस के मॉलिक्यूल सॉलिड के मॉलिक्यूल से दूर चले जाएं उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसॉर्प्शन। तो आई होप आपको सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन समझ में आया होगा, बोर्ड में इससे क्वेश्चन दिया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन? देखिए, जो टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन है बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं और डिपेंड किस पे करते हैं कि जो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। अगर वो वीक है या फिर एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। अगर वो वीक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कौन सा अट्रैक्शन होगा उसके अंदर, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक कौन सा होता है? वॉन्डरवॉल फोर्स, वॉन्डरवॉल फोर्स, ठीक है। और इस टाइप के फोर्स अगर उसके बीच में है, उन दोनों के बीच में है, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में, तो क्या कहलाएगा, कौन सा टाइप कहलाएगा एडसॉर्प्शन का? फिजिकल एडसॉर्प्शन, ठीक है। अब अगर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? स्ट्रांग, तो क्या कौन सा होगा उसके अंदर, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड, चाहे वो फिर आयनिक हो और फिर चाहे वो कोवलेंट हो, कौन सा बॉन्ड होगा? केमिकल बॉन्ड होगा। अब अगर केमिकल बॉन्डिंग है तो उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल एडसॉर्प्शन। कैसा एडसॉर्प्शन? केमिकल एडसॉर्प्शन।
अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन है तो उसे हम बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? दूसरा नाम क्या है? फिजिजॉर्प्शन। और अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन है तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? केमिजॉर्प्शन। आई बात समझ में? टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन दो टाइप के हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक में हम गिनते हैं वैन डेर वाल फोर्स, स्ट्रॉन्ग में गिनते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग आयनिक भी हो सकती है और कोवलेंट भी हो सकती है। वैन डेर वाल फोर्स को हम बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जब भी एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में होता है। और फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हम बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन, और केमिकल एड्सॉर्प्शन को हम बोलेंगे केमिजॉर्प्शन। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन क्या होता है, मतलब इनके डिफरेंसेस क्या क्या है। देखिए, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। पहला जो डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था, जो फिजिजॉर्प्शन होता है यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, उसके बीच में एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? वैन डेर वाल फोर्स। ठीक है, और उन मॉलिक्यूल्स के यानी जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है उनके बीच में वो किस तरीके से हेल्ड होते हैं? केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू। मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टू द सरफेस बाय केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और वो केमिकल बॉन्डिंग कोवलेंट भी हो सकती है और आयनिक भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। ठीक है, उन दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा। अब आपको पता है जो वैन डेर वाल फोर्स होता है इट इज द वीक। ठीक है, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो वीक होता है, क्योंकि जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट का वो कैसा है? वीक है। तो इसलिए उनके बीच जो एड्सॉर्प्शन होगी वो प्रोसेस भी कैसी होगी? वीक होगी। मतलब कि वो जो चिपके, क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब जस्ट इतना ही है कि वो जो सरफेस होगा मॉलिक्यूल्स उसके आगे चिपक जाएंगे, सिर्फ चिपक जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसा होगा? वीक। जबकि केमिजॉर्प्शन में क्या हो रहा है? केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू वो जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, हेल्ड हो रहे हैं वो, तो वो प्रोसेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, वो इजिली ब्रेकेबल नहीं होगा। अब बात करूं थर्ड, जो फिजिजॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल का मतलब होता है जिसे दोबारा हम अलग अलग कर सकें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिजॉर्प्शन का जस्ट मतलब ये होता है कि भाई कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल है, सपोज टू बी सॉलिड सरफेस है, गैस मॉलिक्यूल उसके ऊपर आके चिपक गए सपोज टू बी। ठीक है ना, अगर हमने ज्यादा हीट प्रोवाइड करी तो वो क्या होगा? मॉलिक्यूल वापस उतर जाएंगे, वापस अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, जबकि जो केमिजॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल नहीं है। वो रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू हेल्ड हो रखा है, एक दूसरे के साथ जुड़ रखा है, तो इसे हम तोड़ के अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर बात करें हम फोर्थ डिफरेंस की, चूंकि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होता है, फिजिकल जो एड्सॉर्प्शन होता है उसमें हीट की ज्यादा जरूरत, ज्यादा हीट नहीं लगती है। कितनी लगती है? 20 से 40 किलो जूल पर मोल। लेकिन केमिजॉर्प्शन में यानी केमिकल एड्सॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा होती है, और कितनी होती है? अप्रोक्स 40 से 200 केजी। फिफ्थ पॉइंट, फिजिजॉर्प्शन में जो नेचर होता है एड्सॉर्बेंट, या जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, बेसिकली फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है इसका नेचर क्या होता है? स्पेसिफिक नहीं होता, क्योंकि ये तो जस्ट जाके चिपकता है पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट के ऊपर, जो एड्सॉर्बेट होता है वो एड्सॉर्बेंट के ऊपर चिपकता ही है, तो कोई स्पेसिफिक कोई इसका मतलब रूल नहीं होता, ये जस्ट नॉट स्पेसिफिक है। लेकिन जब अगर हम बात करें केमिजॉर्प्शन की, तो यहाँ केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है ना, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, तो ये कैसा है? एकदम स्पेसिफिक है नेचर से। ठीक है, जो इनके रूल्स होंगे वो होंगे, स्पेसिफिक है वो नेचर से। अब हम बात करें सिक्स्थ इसके डिफरेंस की, मैं इसको मिटाती हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है। कैसे टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर पे। ठीक है, जबकि जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो ऑल टाइप ऑफ टेम्परेचर पे होता है, मतलब ऑल टेम्परेचर लो।
कोई हाई या कोई लो की बात नहीं है। केमिसॉर्प्शन में तो जस्ट केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो किसी भी टेम्परेचर में ये हो जाता है, लेकिन फिजॉर्प्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर में होता है, क्योंकि अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन में आपने ज्यादा टेम्परेचर में करवा दिया वो प्रोसेस, तो डिजॉर्प्शन हो जाएगा, यानी एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट अलग अलग हो जाएंगे। सेवेंथ जो डिफरेंस है वो ये, सेवेंथ पॉइंट है, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो मल्टी लेयर होता है, मतलब कि जो एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्बेट है वो एक के अलावा दूसरी लेयर भी बना सकता है, चिपका सकता है, लेकिन केमिसॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, मोनो लेयर होता है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग तो ऑब्वियस सी बात है, जो सारे सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल होंगे वो एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे केमिकल बॉन्डिंग करने में बिजी हो जाएंगे, तो दूसरी लेयर तो बन ही नहीं सकती। तो ये कैसा होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन, मोनो लेयर। तो आई होप आपको ये सारे डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे।